मैं डॉक्टर पीसी वर्मा एकेडमी से आपसे बात कर रहा हूँ। वेलकम टू माय क्लास, यूट्यूब क्लास फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। मैं अभी आपको हिंदी भाषा में व्याख्यान दूंगा। जनसंख्या की अनुकूलतम सिद्धांत। पिछले क्लास में मैंने आपको बतलाया था कि पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम इन इंडिया। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो गुस्सा गए कि कैसे नहीं प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं ये आपको स्पष्ट करने जा रहा हूँ कि पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम इन इंडिया। ये जो मैंने आपको पहला व्याख्यान दिया वो फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं फिर से आपको यही कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम इन इंडिया, पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम इन चाइना। चाइना और इंडिया के बीच में एक ही बात कॉमन है कि जो ह्यूमन रिसोर्स उसके पास है उतना ही साइज का ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे पास है। अभी वर्ल्ड बैंक से जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है उसके अनुसार इंडिया का जनसंख्या जो है 1.33 बिलियन और चाइना का है 1.34 बिलियन। नेक टू नेक फाइट चल रहा है। आपको लग रहा है कि जनसंख्या जो है समस्या है, समस्या जनसंख्या नहीं है, समस्या कुछ और है। अगर जनसंख्या समस्या होती तो चाइना हम लोगों से विकसित नहीं हो जाता। 1974 में चाइना का जो आप ग्राफ देख लीजिए, उसका स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए और भारत का स्टैटिस्टिक देख लीजिए, तो भारत 1978 में एक इमर्जिंग इकोनॉमी था। पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक लेवल में जो यहाँ पब्लिक सेक्टर था उस पब्लिक सेक्टर का के ऊपर रिसर्च करके लोगों ने काम किया और उस समय में जो पब्लिक सेक्टर था उसको WW रोस्टो ने भारत के भ्रमण में आने पर सारे को देखा, अपने आंखों से देखा। वर्चुअल नहीं, विजिटेड टू द सेल, विजिटेड टू अदर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और तब WW रोस्टो ने कहा कि मेरे अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था का प्रथम चरण होता है प्रारंभिक अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित होती है, और दूसरा जो है हमारा स्टेज होता है वो प्री टेक ऑफ स्टेज। प्री टेक ऑफ स्टेज जो है वो चलती है और उसी में इन्वेंशन का उपयोग होता है, उसी में उद्योग बढ़ता है, उसमें सड़क बढ़ता है, रेल बढ़ता है, बिजली सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और तब कंट्री इंटर करता है टेक ऑफ स्टेज में। टेक ऑफ स्टेज में जब इंटर करता है तो उसको कहा जाता है आत्मस्फूर्ति की अवस्था। आत्मस्फूर्ति का उदाहरण जो है आप हवाई जहाज़ का टेक ऑफ देख लीजिए। जैसे ही सब गेट उट बंद कर लेता है आप हवाई जहाज़ पर, आजकल हवाई जहाज़ जो है कॉमन है। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर वापस लौटे हैं मुंबई हवाई जहाज़ से, और जैसा हमको इंटरव्यू दिया है या हमसे बात किया है वो बताया कि हवाई जहाज़ का जो फेयर है वो पैसा उसको जो वहाँ से कंपनी बुला रही है वो दे रही है। कारण क्या है कि बिहारी लेबरर जो है बहुत ही मजबूत है भीतर से, फिजिकली फिट, और यही फिजिकली फिटनेस जो है लोग जाके जिम में खरीदता है पैसा से। एक फिल्म का हीरो था, बड़ा हिस्ट पुस्ट था, वो अपना इंटरव्यू में दिया कि 50 अंडा पर डे वो खाता था जब जिम में वो वर्क करता था। जिम का अलग कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट है जो कि उसका एक्सपेंडिचर हाई हो जाता है जो जिम जाता है। हमको भी जब हम पटना यूनिवर्सिटी में थे और रिटायरमेंट हुआ तो सोचे क्या करें, तो कहा कुछ नया कीजिए। हम कहे नया क्या करें, तो एक बैग जो है हमको एक बैंक में एक आदमी से भेंट हुई तो बोला कि हम जिम के मैनेजर हैं। अब
पटना में जो है वो दो वो बहुत बड़ा बड़ा बिग जिम का राजेंद्र नगर में खुला हुआ है, तो वो कार्ड दे दिया। वो कार्ड लेके वहाँ गए तो कहा कि आप इसका मेंबर बन जाइए, और मेंबर बन भी गए। उसका 25,000 रुपये फीस था उसका, तो पूरा जमा कर दिए। उसे बताया कि किस तरह का जूता पहनी, किस तरह का कपड़ा पहनी, सब जाके एडिडास से खरीद के लाए और करना शुरू किए। अब उम्र के अनुसार एक्सरसाइज भी होता है, तो उसका ट्रेनर जो है, मालिक जो है, वो आके खड़ा रहता था और आपको थोड़ा पगार का पूरा करा के छुट्टी दे देता। दूसरे दिन जो है वो अपने ट्रेनर को कहा कि हमारे ये खास आदमी हैं, इन पर पूरा ध्यान रखो, कह के वो चला गया। सेकेंड डे जब हम गए, फीस पूरा जमा कर दिए हुए 25,000 एक साल के लिए, और वो जो दूसरा आया तो वो जो जिस चीज़ को ऐसे उठाना था, ऐसे करना था, उस इंस्ट्रूमेंट पर कहा कि आप इसको 3 बार कीजिए, जो पहले दिन कहा। और दूसरे दिन जो ट्रेनर आया वो हमको कहा कि 20 times, हम पूछे 20 तो हाँ 20, और हिस्ट पुष्ट पूरा पहलवान ऐसा था सिखाने वाला, तो हम डरे 20 किए तो कर तो दिए, लेकिन शरीर उतना वो पढ़ाने वाला शरीर था, कभी एक्सरसाइज किए नहीं थे। उसका साइकिल पर चढ़ाया तो हम बोले कि एक वो साइकिल पर चढ़ के शोध का नहीं, तीनों साइकिल पर चढ़ना है, एक साइकिल, दो साइकिल, तीसरा साइकिल पर तो हमको चल नहीं पा रहे थे, लेकिन खड़ा होकर ट्रेनिंग दिया। उसके बाद वो पैर से उठाना, सब करने उड़ने के बाद जब हम खड़ा हुए तो हमको कहा कि सीधा खड़ा हुई, तो हम बोले हम तो सीधा खड़ा है, कह के नहीं आप टेढ़ा हो गए। हम कहे कि हम इससे ज़्यादा सीधा नहीं हो सकते, दर्द हो रहा है। उसका हम नीचे उतरे, कार ड्राइव करके घर चले आए, और सब कपड़ा जूता उता उतार के जैसे हम अपने बेड पर लेटे, बाप बाप करने लगे कि कमर के हड्डी में बहुत दर्द हो गया और बहुत दुखने लगा, बहुत होने लगा। अचानक जो है एक फ़ोन आया, तो क्रोधे में फ़ोन उठाया, हेलो, तो बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपने बेटी को आपसे कुछ ट्रेनिंग दिलाना है, इकोनॉमिक्स का ही है, वो है दिल्ली से आई हुई। तो पूछे आप हैं कौन, तो बोला कि मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ PMCH में। सुनते हमको लगा कि हमारा जो सुकर्म है इसे भगवान हमको भेज रहे हैं। हम कहे कब आना चाहते, जब कही, हम कहे अभी आ जाइए। अब बाप बाप करिए रहे थे, उसको बुला लिए। जब डॉक्टर साहब आए बेटी के साथ तो हम अपना हाल बताए, तो मुस्कुराए, वो कहेगा बेटी हम तुरंत एक दवा लाते हैं, और चले गए ही रोड पर से दवा खरीद करके लाए, और बोले कि कल हम क्लिनिक से आपको और भिजवा देंगे दवा, और उसको खाते हैं, दर्द दूर हो गया। बताए कि आपका जो हड्डी है उसके भीतर में जो लगा हुआ है वो आपको दबता है, उठता है स्प्रिंग के तरह, तो आपका स्प्रिंग जो है अब कमज़ोर हो गया है, अब उस पर बड़ा बड़ा मशीन पर एक्सरसाइज किए तो दब तो गया, अब उठ नहीं रहा है, इसको उठने में लगेगा 15 दिन, 15 दिन आप बेड रेस्ट कीजिए, बैठे बैठे पढ़ाना हो तो पढ़ाइए, नहीं तो 15 दिन के बाद पढ़ाइए, लेकिन वो स्प्रिंग आपका जो है अब तुरंत नहीं उठेगा। जैसे बच्चा है कूद रहा है सीढ़ी पर तो उसका स्प्रिंग दबा उठा, दबा उठा, तो कहता है कि बच्चा बूढ़ा एक समान है, अरे बच्चा तो कूद के चला गया, हम बूढ़ा कहाँ चीख के जाके। बूढ़ा आदमी का जो पार्ट्स होता है वो डेप्रिसिएशन के स्टेज में रहता है, और 50% डेप्रिसिएशन हो जाता है जब आदमी रिटायर करता है, और उसके बाद से डेप्रिसिएशन बहुत फास्ट होता है, जो उसको ठीक से मेंटेन करेगा तो आगे गाड़ी चलेगा, नहीं तो साफ हो जाएगा। तो हम कहे कि करें हम क्या, क्या कुछ नहीं, आप जो खाते पीते खाइए, लेकिन झुकिए नहीं, और कार ड्राइव अभी छोड़ दीजिए, आज जिम तो जाइए ही नहीं। अब वहाँ से जिम से वो जो मैनेजर था फ़ोन करे, हेलो हेलो सर क्या गलती हो गई, आप नहीं आ रहे हैं। हम क्या गलती हो गई, अरे आप जिसके हवाले हमको कर गए तो आप बोले कि ठीक से कराओ, तो आप 2 बार हमको 3 बार कराते थे, वो कराया 20 बार, तो हमारा कमर की हड्डी का स्प्रिंग दब गया है, अब 15 दिन के बाद उठेगा, तब हम सोचेंगे कि अब आप यहाँ आए या नहीं है, डॉक्टर से पूछ। कहने का अर्थ ये हुआ कि चाइना में पॉपुलेशन जैसे वहाँ रिवोल्यूशन हुआ 1949 के बाद, जब वहाँ माओसेतुंग आए और वहाँ एकदम टोटलिटेरियन कम्युनिज्म आ गया और समाजवाद आ गया, साम्यवाद आ गया, उस समय USSR भी पीक पर था, USSR की सेना बहुत ही शक्तिशाली सेना थी,
चीन की सेना भी अच्छी थी, अभी उस समय विकसित हो रहा था। तो सरकार नियम बनाई कि एक बच्चा रहेगा परिवार में, गलती से अगर दूसरा बच्चा हो गया तो बच्चा को जाके एक झूला था उस झूला में रख देता था और झूला से निकाल के सरकार उसको ले लेती थी। ऐसा लाखों बच्चा वहाँ है जिसका बाप सरकार है, लेकिन उसका बाप मैं ये कबूलने को तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा है, क्यों तो डाल दिया हूँ झूला में। अब किसी तरह से अगर वो आइडेंटिफाई भी कर लिया उस समय जा करके वहाँ देख वो करके गिफ्टें लेके गया, सबको दिया और उसको भी दिया, पहचान भी लेता, लेकिन नेवर स्पीक, क्योंकि उसकी सारी सुविधा समाप्त हो जाएगी। इतना डर हो गया, कम्युनिस्टिक कंट्री में टोटलिटेरियन प्लानिंग होता है, कोर्सिव प्लानिंग होता है, प्लानिंग बाई डायरेक्शन होता है, और उसमें कहीं ना आप नहीं बोल सकते हैं कि भारत नहीं है कि लॉकडाउन कर दिया गया, भारत सरकार लॉकडाउन की और राज्य से निकल के दूसरा राज्य तीसरा राज्य क्रॉस करते हुए चौथा राज्य तक पहुंच गया। दिल्ली शहर में 11 गो जिला है, दिल्ली कोई एगो थोड़ी है, 11 डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से साइकिल चला के जा रहा है लॉकडाउन में, वहीं रोकता तुम। इसको कहते हैं गवर्नेंस डेफिसिट। किसका आप इंतजार कर रहे हैं, किससे पूछना है आपको? लॉकडाउन में पूरा परिवार जा रहा है, सैकड़ों हजारों जा रहा है, तो उसको आपको वहीं रोकना था, और वो चल के चला आया बिहार, बीच रास्ते में बच्चा दे दिया, बीच रास्ते में कितना कष्ट हुआ। इसमें उन लोगों को जो चले आए उनको पुरस्कार भी दीजिए या पनिशमेंट भी दीजिए, पनिशमेंट की उसने लॉ को तोड़ा। लेकिन दिल्ली के 11 जिला का DM, उसके बाद जितने भी शहर रास्ते में पड़े, उसके पंचायत का जो मुखिया है, सरपंच है, थाना जितना पड़ा उस रास्ते, थाना का जो ऑफिसर है, इन सभी को घेरे में लीजिए, सब पर फाइन लगाइए, तब देखिए कि टोटल फाइन कलेक्टेड कितना करोड़ हो जाएगा। ये गवर्नेंस डेफिसिट है, और इस गवर्नेंस डेफिसिट के कारण हमारे यहाँ 80% पब्लिक सेक्टर रहते हुए भी जो सरकारी कंट्रोल में है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3.5%, जब देखिए तो 3.5%, जब देखिए तो 3.5%। राजकृष्णा अर्थशास्त्री थे दिल्ली में, उन्होंने कहा कि 3.5% का वो नाम रख देते हैं, वो नाम रख दिए हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब कोई हिंदू अस्सी की ईसाई नहीं हो रहा है, हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब 1947 से 1985 तक जो ग्रोथ आपका हो रहा है वो एवरेज है 3.5%। तो 3.5% हो गया हिंदू ग्रोथ रेट। कहीं भी पूछे कि हिंदू ग्रोथ रेट कितना है तो 3.5%। किसने दिया? प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया। किस यूनिवर्सिटी के थे? तो दिल्ली के थे या JNU के थे, दिल्ली के थे अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री। राजकृष्णा का बहुत सारा काम बेरोजगारी पर है, और ये कांता आहूजा भी उनके अंदर में PhD किए हुई हैं या उनसे फ्रेंडशिप है उन लोगों का हाई लेवल पर। और हम जब PhD कर रहे थे तो मेरी PhD थेसिस भी कांता आहूजा के पास चली गई, उस समय वो थी वाइस चांसलर जयपुर यूनिवर्सिटी। तो इसलिए कहता है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने एक नाम दे दिया, कहा कि 1947 से 1987 तक लगातार एवरेज निकालते हैं तो आता है 3.5%, कहीं थोड़ा बढ़ा थोड़ा घटा, एवरेज तो एवरेजिंग कर दिया, लेवल कर दिया, एक लेवल किया तो हो गया 3.5%। तो 3.5% हिंदू ग्रोथ रेट बतलाता है 1947 से 1987 के बीच में आर्थिक संवृद्धि दर 3.5% औसतन है। 3.5% औसतन आर्थिक समृद्धि का नाम क्या पड़ गया? हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट शब्द किस ने आविष्कार किया? तो प्रोफेसर राजकृष्णा। राजकृष्णा दिल्ली के अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर राजकृष्णा दिल्ली के अर्थशास्त्री थे, और पूरे विश्व में हिंदू ग्रोथ रेट एक कंसेप्ट चलाए। और 1947 से 1987 1947 से 1987 1987 3.5%
1987 से लेकर के 97 तक अगर देखिएगा तो हो गया 6.5% एवरेज। तो उसको कहा गया मॉडिफाइड हिंदू ग्रोथ रेट 6.5%। यह मॉडिफाइड हिंदू ग्रोथ रेट, ये राजकृष्णा का तो डेथ हो गया, उनके बाद के अर्थशास्त्री लोग जो हैं फॉलोवर हैं वो इसको विकसित किए। अब हम लोग देखते हैं कि राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में 7th प्लान का ग्रोथ रेट देखिएगा तो 8.5% तक पहुंच गया था, और उसका तुरंत जो है एकदम गिर गया, लेकिन एवरेज निकालने पर 6.5%। तो कहता है कि चाइना जो है वन चाइल्ड नॉर्म रखा और पॉपुलेशन उसका बड़ा तो साइज बड़ा था ही, और वन चाइल्ड नॉर्म से उसका ग्रोथ रेट हम लोगों से स्लो था। हम लोगों के यहाँ था 2 चाइल्ड नॉर्म और वो भी बाय चॉइस। विकसित देश से पूछिएगा कि चॉइस बिटवीन ए बेबी एंड ए कार तो बोलेगा कार, और हमारे यहाँ इंडिया में अगर पूछेगा बेबी एंड कार तो कहेगा बेबी, क्योंकि कार रखने का उसको जगह ही नहीं है, ना उसके लिए उसको चलाने का पैसा है, ना चलाने आता है, ना वैसा एप्टीट्यूड है कार के बारे में। तो अर्ध विकसित देश में बोलेगा बेबी और विकसित देश में बोलेगा कार। अर्ध विकसित देश में बेबी कौन बोलेगा? जो गरीब परिवार का है, जिसकी आय कम है, तो वहाँ बेबी को सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है। मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसको आराम से माड़ भात खिलाता है और भगवान का नाम लेता है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ऐसा है कि अमेरिका में अगर कोई बच्चा जन्म लेना है तो उसके लिए 1 साल का उसका चड्डी हो, आज के ज़माने में तो और भी डाइपर आ गया है, उस ज़माने में डाइपर नहीं था, तो ही उसका पैंट जो है वो 10 गो 20 गो दर्जन में ये सब चीज़ इकट्ठा करके, और वो बच्चा जो है अलग रूम में रहेगा, उसका अलग बिछावन होगा, कोई उसके साथ नहीं सोएगा, ये सारा खर्च जोड़ा जाता था तो हाई कॉस्ट हो जाता था। रामलाल चुग जो हैं अमेरिकन अर्थशास्त्री, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि एक बच्चे को पालने में यूएसए में खर्च जो है 4 गुना है जो भारत में है। अब भारत में क्या है कि बड़का भैया जो है उनका जो पैंट बना वो छोटका मझलका उससे सझलका सब जो है धीरे धीरे वही पहनता चला गया, अब बराबर नया सिलाता था बड़का भैया को, बड़का भैया का शर्ट, बड़का भैया का पैंट, बड़का भैया का कोट, बड़का भैया का ओवरकोट, ये सब एक बार बन गया किसी परिवार में मध्यम इनकम वाले का, और उसके घर में नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ रहा है और वही सब यूज कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी हमको अनुभव है कि लड़का का फुल पैंट है और उसके बाद मान लीजिए लड़की का जन्म ज्यादा हो गया तो उसी पैंट को कार के बेल बटन बना के लड़की पहन रही है, वेस्टेज नहीं जाता है, एक ही रजाई है उसमें चारों भाई बहन सो गया है। दीज आर अनथिंकेबल इन यूएसए, अनथिंकेबल इन कैनेडा, एक रजाई के अंतर्गत एक ही आदमी सोएगा, नेचुरली उसके दिमाग में एक बच्चा से आगे का सोच ही नहीं सकता है, और हमारे यहाँ का कंसेप्ट दूसरा है, एक थाली में हम लोग 2-3 गो बैठ के भी खा लेते हैं, वो अनथिंकेबल है, किसी के थाली में दूसरा आदमी कैसे खाएगा। हमारे यहाँ है तो अभी स्वच्छ भारत चला है तो संडास जो है घर में भी होने लगा है, पहले संडास ही नहीं था, पृथ्वी में कहीं भी जगह है बैठ के। तो कहता है कि बहुत सारा चीज़ हमारा लो कॉस्ट है, तो बच्चा को जन्म देना उसको पालन करना लो कॉस्ट कर, अब बच्चा को जन्म देना पालन करना हाई कॉस्ट है यूएसए में। रामलाल चुग ने रिसर्च करके निकाला कि एक बच्चा इस टू 4 बच्चा ही नहीं, अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, एक बच्चा अमेरिका में जन्मेगा तो 4 बच्चा हमारे यहाँ उसी परिवार में जन्मेगा, और दोनों को खाएगा पिएगा सीनेगा, बड़ा होकर के हो सकता है कि मनमोहन सिंह की तरह पंजाब में बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करे, एमए ऑनर्स करे, और उसका तो विदेश चला जाए कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो टाइपॉस करे, ऐसा उदाहरण है ना। मनमोहन सिंह जी बहुत धनवान परिवार के नहीं थे, तो टैलेंटेड जो है वो निकल जाता था, आज भी टैलेंटेड जो है वो आईआईटी की, आईआईटी करने के बाद 4 में से 3 वो विश्व के विभिन्न देशों में चला जाता है। हमारे एक मोहल्ले में एक परिवार है जो ऑर्डिनरी परिवार है, कोई बहुत बड़ा नहीं है,
और उनके फादर जो थे वो ऑडिटर थे, मिडिल क्लास परिवार था उस समय, हम जानते 50 साल से। और उनमें जो एक हैं उनके बेटा विजय कुमार, तो विजय भैया हम लोग कहते हैं, उनका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा था स्कूल में, तो जाके उनसे हम पूछा करते थे ये बात। उनको कहते हैं तो कहते हैं तुम इतना इकोनॉमिक्स जानते हो, नहीं भैया आपसे हम क्रेडिट क्रिएशन सीखे हुए हैं। उसी परिवार का 7-8-9 बच्चा हुआ और सब जो है मैथमेटिक्स मजबूत था और सब जो है IIT या कोई भी इंजीनियरिंग करके पास करके आया, MBA किया, और सारा चला गया है अभी ऑस्ट्रेलिया, ये इटली, ऑस्ट्रेलिया और इटली में बहुत सारे उसके परिवार के लोग चले गए। एक फंक्शन में गए थे, सबसे मिलाया, सब इटली और ऑस्ट्रेलिया कह रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है उसमें 3-4 बच्चा अगर घर में हो गया तो खाना पीना जो चल रहा है, खाने पीने का स्टैंडर्ड जो है हमारे यहाँ नॉर्मल है, जिसमें हम लोग सर्वाइव करते हैं। ऐसी स्थिति है कि अगर कोई दोस्त आपके घर पर आ गया से 40 साल पहले और आपको प्लेट में देखा कि आप अंडा खा रहे हैं तो एकदम खिसिया गया कि तुम बताए कि नहीं हमको, तो मुझे क्या बताना था कि यही तुमको TB हो गया है। हमको TB हो गया क्या है, तो अंडा तो जो TB होगा वो उसी को घर वाला अंडा खिलाएगा। उस समय में 25 पैसा में 4 आने में 1 अंडा देता था और 200 रुपये भरी सोना था। अब इसे आप इक्वेशन निकाल लीजिए कि अंडा कितना कॉस्टली था, 200 रुपये में 1 भर सोना था, जो अभी हो गया है 45,000, 1 भर सोना का 45,000 और 200 रुपये था। लेकिन सैलरी ये था 25 रुपया, 50 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया किसी का सैलरी बहुत है। डिप्टी कलेक्टर जो था उसका सैलरी उस समय में होता था 400, लेक्चरर का होता था 535। तो हम लेक्चरर में BPSC से ज्वाइन किए ताकि हमको 535 मिलेगा, BPSC में 400 रुपया वेतन था। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 60 ईयर्स बैक, ये क्या था 40 ईयर्स बैक, ये रियलिटी है जो हम एक्सपीरियंस किए हैं वो आपको बोल रहे हैं। बच्चा को प्रॉब्लम माना ही नहीं जाता था और फैमिली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इतना मजबूत था कि घर में मामा का बेटा, चाचा का बेटा, फूफा का बेटा, सब बेटा सब एक ही जगह रहता है, पढ़ रहा है, एक ही हाई स्कूल में गांव में पढ़ रहा है, पैदल स्कूल जा रहा है। दिस वाज द रियल कंडीशन व्हिच आई नैरेट टू यू एंड दैट स्टिल एग्जिस्ट। देयर इज सम डिफरेंसेस दैट द ज्वाइंट फैमिली हैज ब्रोकन फ्रॉम फूफा मामा, अब रह गया चाचा, अब अपना ही बाप बच्चे बच्चा जो है। कहने का अर्थ है कि पॉपुलेशन वाज नॉट ए प्रॉब्लम इन द फैमिली। 5 बहन और 2 भाई हमारे माँ के हमारे पिता ने जन्म दिया और हम इकोनॉमिक्स के थे तो हम कहें नहीं भाई इतना बड़ा साइज फैमिली नहीं। तो हमारा जो है 2 लड़का 1 लड़की, एक लड़की जो है कार एक्सीडेंट में मरी गई तो बच गया दो गो बच गया, उसमें एक जो है सो विदेश में सेटल हो गया और बच गया एगो, तो वो और उसके बच्चे के साथ हम रहते हैं। तो कहता है कि साइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन डेवलप्ड कंट्री, वहाँ एक बच्चा एक परिवार में हो गया तो बहुत हो गया। कुत्ता अच्छा अच्छा रहता है, पप्पी जो है तरह तरह का कुत्ता बदलते रहता है, कहता है हम लवर ऑफ डॉग्स। ठीक है भाई, जब आदमी घर में नहीं है तो लवर ऑफ डॉग्स से ना रहिएगा। तो इसलिए कहता है कि इकोनॉमी में आपको हर हालत में पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम। लो इनकम ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काम कर लेता है, चाहे लेबर के रूप में काम कर लेता है। जितने भी धनवान व्यक्ति उनके घर में 2, 4, 3, 2 लड़का या लड़की पुअर परिवार का काम करता है, कहीं बोलेगा नहीं सर। अगर उसके ऊपर अटैक करे गवर्नमेंट की क्यों करा रहे हैं, तो बोलेगा कि हमारा रिलेटिव है ऐसे ही आया है, कोई नहीं बोलेगा कि हम चाइल्ड लेबर से काम कराते। तो रियलिटी को कौन माने, कहीं आप लिखिएगा तो कहेगा व्हाट इज द सोर्स, सोर्स उस व्यक्ति से पूछेगा ना, हमारा नाम नहीं दीजिए। दिस इज द फैक्ट दैट मेनी रियलिटीज, रियल सिचुएशन इज नॉट नोन टू द पॉलिसी मेकर्स हु आर इन द एयर कंडीशन रूम लिविंग एट द टॉप। क्या स्थिति है, लड़के को क्लास में टीचर का
हम इतना आपको वीडियो लेक्चर के रूप में 900 वीडियो आपको हम दे चुके हैं, लेकिन पटना कॉलेज में हम 40 साल पढ़ाए, एगो वीडियो नहीं है 40 साल का। अगर वही टेप किए रहता क्लासरूम का टेपिंग, तो लॉकडाउन में उसी को ऑन करके पढ़ा सकता था। रिक्वेस्ट किया जा रहा है टीचर से कि आप जो है वीडियो बनाइए, अभी तुरंत जब प्रेशर डालिएगा कि जलाइए तो होवे ना करेगा। मन से पढ़ाया हुआ और फोर्स से पढ़ाया, दोनों में अंतर है और ऐसा सिचुएशन है। तो कहता है कि पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, ये चाइना माना और कहा कि A1 चाइना और अभी कर दो, उस समय में उसको था कि पॉपुलेशन इज ए प्रॉब्लम। बाद में रियलाइज किया कि पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, और ये इसलिए रियलाइज किया कि वो कैलकुलेट करके देखा उसका डेमोग्राफर कि 2050 में भारत की जनसंख्या का आकार बड़ा हो जाएगा चीन के जनसंख्या से, और आज जो विश्व में हम नंबर वन जनसंख्या के चाइनीज इकोनॉमी है, हम लोग नंबर टू में स्लिप कर जाएंगे। बैठ के मीटिंग किया और 1990 के करीब में ये चारों तरफ फैलने लगा और कहा कि हम लोग को रिवाइज करना चाहिए। तब गवर्नमेंट ने रिवाइज किया अभी हाल के वर्षों में कि 2 चिल्ड्रेन नॉर्म, हम लोग का पॉलिसी अपना लिया 2 चिल्ड्रेन नॉर्म। हम लोग भी 2 चिल्ड्रेन नॉर्म रखे हैं, लेकिन हम लोग क्या बाय फोर्स नहीं है, बाय योर डिज़ायर है। फोर्स भी लगाया गया था 1976 की पॉपुलेशन पॉलिसी जो आपको बताएंगे, 74 की पॉपुलेशन पॉलिसी, उसमें बाय फोर्स था, तो सरकार गिर गई और आज तक गिरी हुई है। इससे सोच लीजिए कि जनसंख्या को जहाँ टच आप किए तो आपकी सरकार तो कहाँ गिरेगी, उसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए जनसंख्या का जो न्यू इंट्रेंट है उसका बध करने का एकदम मत सोचिए, आने दीजिए, जाने दीजिए, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो एनालाइज करके देखिए। जहाँ है जनसंख्या, चीन में जनसंख्या है, चीन में बैठ के विचार किया कि इंडिया को किसी भी हालत में नंबर वन नहीं बनने देंगे पॉपुलेशन में, और वन चाइल्ड नॉर्म से बदल के कर दिया 2 चिल्ड्रेन नॉर्म, और तब वो देख रहा है कि हमारा जो जनसंख्या एकदम नेक टू नेक रहेगा, लेकिन हम लोग नंबर वन रहेंगे। एक और बात चीन में रिसर्च करके निकाला कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि 20 वर्ष से 35 वर्ष की आयु वाला जो जनसंख्या हमारा है वो 65% है, जो विश्व में ऐसा कहीं नहीं है, इंडिया में ही है। और चीन में 160 मिलियन चाइनीज जो है वो अब ओल्ड हो गया है और ओल्डर हो गया है, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड से बाहर निकल गया है। अब वो कहता है कि भाई तो कम्युनिस्ट कंट्री है, 160 मिलियन लोग जो हमारे यहाँ अब रिटायर कर गए, एज उनका बढ़ गया, तब उनका खाना फ्री, रहना फ्री, नाश्ता फ्री, मेडिसिन फ्री, मेडिसिन पर खर्च बढ़ जाएगा, और पेंशन अगर दे रहे हैं तो पेंशन का खर्च बढ़ जाएगा, आ काम हमारा होगा नहीं, शॉर्टेज ऑफ लेबर सप्लाई हो जाएगा। इसलिए हमको हर हालत में प्रति परिवार 2 बच्चा चाहिए, और ये ऑर्डर है, ये कोई नहीं कि आपको मनमाना आपको करे या ना करे, वो इंडिया नहीं है, चाइना है। 2 परिवार 2 बच्चे आपके यहाँ चाहिए, चाहे लड़का या लड़की, तभी हम भारत से आगे निकल जाएंगे। 2050 में चाइना विल रिमेन द नंबर वन कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। पॉपुलेशन को क्यों आप खराब सोचते हैं, पॉपुलेशन को आप मानिए ह्यूमन रिसोर्स। पेट्रोल है जमीन के भीतर में, तो आज कैसे कुवैत जो है पेट्रोल को एक्सपोर्ट कर रहा है, मिनरल्स है आपके जमीन के अंदर में, तो कैसे आप उसको निकाल के स्टील बना रहे हैं, ब्रोंज बना रहे हैं, कॉपर बना रहे हैं। उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस को तराशने का काम आपका है। गलती कहाँ हुई, गलती हुई कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज 100% हुआ, हमको कहीं कोई आपत्ति नहीं, नेहरू जी के बात को हम नहीं काट सकते हैं, हमारा औकात नहीं है कि नेहरू के पॉलिसी को आलोचित करें। वो दुनिया देखे, 3000 दिन जेल में रहे, जेल में रह के जो किताब लिखे हैं वो हम लोग जिंदा बाहर रह करके नहीं लिख पाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ के देखिए, लेटेस्ट डॉटर देख के पढ़िए, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री देख के पढ़िए, वो सब देख करके, ये सब तो इकोनॉमिक्स जब थे तो फुर्सत कहाँ रहता थी सब देखने, और रिटायरमेंट के बाद जो है सब किताब को पढ़ना शुरू किया।
पढ़ रहे हैं तो मेंटल मैच्योरिटी हो रहा है, देख रहे हैं कि विकसित आदमी क्या कर, वो जो इमेजिन किया उस इमेजिनेशन में उसके दिमाग में था कि हमारा हम एक है और हमारी एक बेटी है इंदू, उनके मुंह पर बराबर इंदू रहता था, इंदिरा गांधी ये सब नहीं बोलती, इंदू इंदू, लकवा मार दिया था तो मुंह से निकल इंदू, जवाहरलाल नेहरू का दस्तखत होता था पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बिट्टा, अब फाइल है, अब सब फाइल को पढ़ते थे तो कह के ना ये बहुत लंबा हो रहा है तो उसको अमेंड किए और उसके बाद जो है जवाहरलाल लिखे, फिर लंबा हो रहा है तो फाइल का अंबार है तब उसका लिखे जवाहर, और लखवा मार दिया तो अब कैसे लिखाएगा ये होगा तब जे लिखे, लास्ट दस्तखत उनका जे का है, ऐसा हम पढ़े हैं कहीं पढ़े हैं तो दिमाग में जो आपको बोल रहे हैं आप भी चेक करके देख लीजिए, दस्तखत केवल जे जे लिख दिए हो गया जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू लंबा जो है वो 47 ई सब का दस्तखत पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते थे, आप देखिएगा ना खूब सुंदर सा पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसका लिखने लगे जवाहरलाल नेहरू भी हटा दिए, उसका लिखने लगे जवाहर, उसका लिखे जे, तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। अब चाइना देखा कि हमारा वन चाइल्ड नॉर्म से हमारा साइज पॉपुलेशन घट जाएगा एक, इंडिया से हमारा पॉपुलेशन कम हो जाएगा दो, हमारे यहाँ बूढ़ा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है 160 मिलियन, ये टर्म वहाँ डिस्कशन में हर सेमिनार में होने लगा, 160 मिलियन पीपल ऑफ चाइना विल बी बिकम ओल्डर पीपल, हु विल रिप्लेस देम, नीचे से आ नहीं रहा है उतना तो बनाया कि नहीं, दो टू चिल्ड्रेन नॉर्म, हमारे यहाँ टू चिल्ड्रेन नॉर्म है ना, लेकिन आप पता कीजिए कि बहुत सारे परिवार में एक ही बच्चा है, दे आर केपेबल बट बाई देयर डिसीजन देयर इज वन चाइल्ड, सर्वे करा के देख लीजिए, जितने अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, बैंक ऑफिसर हैं, उसको बाई चॉइस एक बच्चा है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसको तो कोई डिस्टिंक्शन है नहीं, बेटी भी होगी तो आईएएस होगी, बेटा होगा तो आईएएस होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर, एक बच्चा पालन पोषण ठीक से किया, दो भी नहीं है, तो देखिए यहाँ भी लॉपसाइडेड हो रहा है, हमारे यहाँ क्या है, ऑल एजुकेटेड पर्सन वुड लाइक टू हैव वन चाइल्ड एंड ऑल लो इनकम ग्रुप वुड लाइक टू हैव फोर चाइल्ड फाइव चाइल्ड चिल्ड्रेन एंड देयर फोर इन आवर कंट्री व्हाट वी फाइंड दैट द इन उत्तर प्रदेश TFR जो है मोर देन फोर है 4.4 एंड बिहार में TFR जो है वो 4 से थोड़ा कम है और उससे कम है उत्तर प्रदेश, लेकिन TFR 4 होना 4.5 होना ये बहुत बड़ी बात है आज के डेट में, जनसंख्या वहाँ का कंसंट्रेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी अधिक हो जाएगा, तो इसलिए क्या हम कहना चाह रहे हैं कि चाइना ने ओल्डर पॉपुलेशन को 160 मिलियन को देखा कि अब स्लिप कर रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड से निकल रहा है, अब डेमोग्राफिक डिविडेंड की जगह ओल्डर पीपुल आ गया, जिस पर कि चाइनीज गवर्नमेंट को भारी मात्रा में हेल्थ पर खर्च करना है, भोजन पर खर्च करना है, वस्त्र पर खर्च करना है, उनके पेंशन देना है, ये देना है वो देना, और इधर से इनपुट हमारा उतना नहीं आ रहा है, तो निर्णय किया क्या नहीं एक नहीं दो, और दो कंपल्सरी, हमारे यहाँ क्या हो गया कि वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी है तो जितने एजुकेटेड पर्सन हैं, जितने केपेबल पर्सन हैं, जितने ही अच्छे कपल हैं, वो अब वन चाइल्ड पर जा रहे हैं, और जितने भी लो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके परिवार में बच्चे की संख्या आज भी दो से अधिक है, लेकिन अब धीरे धीरे उसका भी श्रिंक कर रहा है दो की ओर, तो इसलिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो बिकॉज ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर वो दो के बराबर ऐसे ही आ जाएगा बिना जबरदस्ती किए हुए, जब एक की ओर जा रहा है, जितने संपन्न है वो एक चाइल्ड, कई लोगों को देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, आईएएस हो गए, वो सब के यहाँ दो गो बच्चा है या एक गो बच्चा है, तो इस तरह से निष्कर्ष निकलता है कि चीन ने निर्णय लिया कि साइज ऑफ पॉपुलेशन को बढ़ाना है, न्यू इंट्रेंट को कभी नहीं रोकना है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ को कभी नहीं रोकना है, इसको बढ़ने देना है,
जैसे आ रहा है और इससे क्या होगा, नेचुरल वे में सप्लाई ऑफ लेबर चाइना का बढ़ जाएगा। अभी स्कार्सिटी ऑफ लेबर की समस्या है, बहुत सारा आर्टिकल को पढ़ के देखे कहता है कि देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ लेबर इन मोस्ट ऑफ द प्लेस, क्योंकि चाइना ने 1978 में लिबरलाइजेशन को स्वीकार कर लिया। और जैसे ही लिबरलाइज हुआ तो अमेरिकन कंपनी आकर के वहाँ चाइना का देखिए बिल्डिंग, अभी जो लॉकडाउन ही सब हुआ है उसका फोटो दिखाता है, तो ठीक वैसा ही है जैसा कि अमेरिका का गगनचुंबी भवन सब उस तरह का दिखाता है, जो उसका प्लेटफॉर्म दिखाया वर्ल्ड ट्रेड का प्लेटफॉर्म, हाईली डेवलप्ड। इसलिए पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम इन इंडिया, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, गवर्नेंस डेफिसिट। जिसका जो गवर्नेंस है वह काम अगर 100% करता है तो बहुत सारी समस्याएं हम लोग की दूर होगी। हम आपको कहना चाह रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मॉडल बहुत अच्छा था, बहुत इन्वेस्ट किए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को रखा लास्ट प्रायोरिटी। कंपल्सरी एजुकेशन उसी समय आपको होना चाहिए था जब आपके यहाँ 95% इलिटरेसी था फीमेल में, और मेल में था आपको जब 47 का आंकड़ा देखिए। इट वाज आल्सो अर्जेंट द सोशल फैक्टर, यहीं से आपको रिसोर्सेस निकलता है, यहीं से लेबर फोर्स निकलता है। अगर जिस तरह से आप पब्लिक सेक्टर को 80% किए, उसी तरह से स्कूल एजुकेशन कंपल्सरी स्टैंडर्ड टीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल क्लासेस रूरल एरियाज, ऐसा अगर आप करते तो ये गगनचुंबी जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसके साथ साथ ही सोशल सेक्टर का जो एजुकेशन है वो हब तैयार हो जाता और वो सरकारी खर्च पर ही होता। आज भी सरकारी खर्च पर स्कूल है, लेकिन चूंकि देर हो गई और एक लंबा जो ही लिटरेट पीपल का साइज तैयार हो गया, स्किल फॉर्मेशन का सिस्टम नहीं बन पाया, तो इसलिए मेरा कहना है कि पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, पॉपुलेशन इज ए ह्यूमन रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्स डिवलपमेंट थ्रू एजुकेशन, थ्रू ए स्किल फॉर्मेशन, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज कॉल्ड गुड सिग्नल दैट आवर पॉपुलेशन एंड चाइनीज पॉपुलेशन आर मैच टुगेदर। आप नॉर्थ अमेरिका में जाइए ना, लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज सन्स एंड डॉटर्स आर देयर टेकिंग हायर एजुकेशन, टेकिंग ओनली स्कूल एजुकेशन, चाइनीज कॉलोनी है, कहीं ज़्यादा चाइनीज रहता है चाइनीज कॉलोनी, जैपनीज कॉलोनी ज़्यादा जैपनीज रहता है। जैसे पैसा हुआ तो पहला काम करेगा कि अपने बच्चे को USA में पढ़ाएगा, चाहे चाइना का हो, जापान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, वो यूरोप का हो, सब वहीं जाके पढ़ता है, और एशिया से भी जाता है, पाकिस्तान से जाता है, बांग्लादेश जाता है, इंडिया से जाता है, तो इस तरीके से हायर एजुकेशन वहाँ चला जाता है, लेकिन स्कूल का एजुकेशन तो अपने ही है लेना। ये सब पर थिंक कीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो आप भी सोच सकते हैं, और हमारे सोचे हुए बात को आप देखिए कि कैसे इसको सपोर्ट करें, कि कैसे गवर्नेंस डेफिसिट को ब्लेम करें, पॉपुलेशन को ब्लेम मत कीजिए। हमारे यहाँ अभी भी ओल्ड पीपल को घर में लोग रखता है ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के रूप में, USA में चले जाइए, दे आर लिविंग इन ए ओल्ड हाउस, और साल में एक आध बार दो बार जो है उसका बेटा बेटी को आके भेंट कर लेता है, कल्चर हो गया है, यू आर ओल्ड यू लिव इन ओल्ड हाउस, इफ यू आर ए डॉग देन यू लिव इन ए डॉग हाउस, घर के बाहर एक डोम से बना उसमें रह रहा है। इस तरह का हमारा नहीं कल्चर है, आवर कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। हमारे यहाँ फैमिली का एक अलग रूप है, फैमिली का एक अलग पहचान है, और उसमें सभी को जगह है, ओल्ड पर्सन का भी जगह है, चिल्ड्रेन का भी जगह है। बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे यहाँ भी थी, भ्रूण हत्या जो हमारे यहाँ कानून बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत ऐसा जगह है जहाँ की भ्रूण हत्या हो जाया करता था। ये हम पढ़ना शुरू किए जिसको कहता है सन प्रेफरेंस, और सन प्रेफरेंस इज नॉट ओनली इन इंडिया, न केवल भारत में बल्कि मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना, जापान, सब जगह ये सन प्रेफरेंस है, और इट इज मोर रिजिड इन फीमेल कि उनको बेटा हो,
ऐसा मेल भी हो सकता है, मेल भी हो, लेकिन फीमेल का भी ये बड़ा वाली अर्ज है। जबकि ये नियम है कि अगर आप जनसंख्या को स्थिर रखना चाहते हैं तो पूरे कंट्री में वन मदर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई वन डॉटर, इसी को कहा जाता है फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट। अगर पूरे इंडिया में ऑन एन एवरेज जो है एक वन मदर इज रिप्लेस्ड बाई वन डॉटर, तो देखिएगा हमारा पॉपुलेशन बैलेंस्ड रहेगा। भ्रूण हत्या नहीं करना है।